नमस्कार, मैं विजय विश्वकर्मा, ध्वनियालोक गुरुकुल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम तबले के अंगों के बारे में, वर्ण के बारे में सीखे थे, आज हम कुछ और वर्णों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग तूना, तेटे ये सब सीखे थे, जो इस प्रकार है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ना, तू ना, तू ना। टेटे बोल किस प्रकार है? टे 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 टे। पी ना, पी ना, पी ना। ता ना, ता ना। ता और ना में सेम प्लेस है, बस हम बोल का फर्क है। ता ना, ता ना। आज हम लोग तिरकिट सीखेंगे। तिरकिट में तेटे का बोल का यूज होता है। देखिए, तिरकिट और तेटे, तेटे से ही तिरकिट बनता है। ते टे, ते टे। अब तिरकिट बजा रहे हैं। ती र की की और टा इसमें जोड़ दिए तो बन गया तिरकिट। टी र की टा, टी र की टा, टी र की टा, टी र की टा, टी र की टा। अब हम लोग सीखेंगे तिन्ना, तिन्ना, तिन। तिन में हम ये ले सकते हैं, लेफ्ट पाम का सहायता ले सकते हैं इसमें। ना, तिन्ना, तिन्ना। दूसरा है धिन्ना, 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 धिन्ना। धिन्ना में क्या होता है, बायां और दायां का दोनों एक जैसा बजाते हैं। धिन्ना, इसमें ये यूज करेंगे लेफ्ट का पार्ट और इसमें तिन लगाएंगे। धिन्ना, धिन ना, दिन ना। और तिन्ना कैसे हो रहा है? तिन्ना, 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 तिन्ना। अब जो हम बोल सीख रहे हैं वो है घेना, घे ना, घे ना, घे ना, घे ना, घे ना। तीना, घेना और धिन्ना, ये बोल बहुत ज्यादा आपस में मिले जुले हैं। इसको हम कैसे अलग करेंगे हाथों के बनावट से बोलों के? देखिए, तिन, तिन में हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा पाम का ये बायां का यूज कर रहे हैं। तिन्ना, धिन्ना, इसमें क्या किए, ये तुन का पार्ट लिए और ये बायां एक साथ लेंगे। धिन्ना, धिन्ना, घिन्ना। अब है घेना, तो घेना अलग और अलग, ये अलग है। घेना, घेना, घेना। आशा है कि आज अच्छे से बोलों को समझ पाए होंगे। आज की कक्षा में इतना ही, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।